बच्चों, मैं पल्लवी रानी, हिंदी अध्यापिका, सेंट मेरी स्कूल तांडूर से। आज हम आठवीं कक्षा का दूसरा पाठ, कहानी पाठ है, इसे पढ़ने जा रहे हैं। पहला पाठ पद्य भाग था, तो आप कहानी में जाएंगे। दूसरा कहानी का नाम है राजा बदल गया। आठवीं कक्षा का दूसरा पाठ राजा बदल गया। बदल गया, इसका अर्थ क्या है? बदलना, बदलना यानी हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आना, यही इस पाठ का नाम है। तो चलिए बच्चों, हम आज इस मुख्य चित्र में देखेंगे। अपने पुस्तिका में देखिए, यहाँ पे चित्र दिया गया है ना। इस चित्र में लड़का क्या कर रहा है, क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? एक लड़का है ना, देश का मानचित्र है, और एक हाथ में पुस्तक। लड़का क्या कर रहा है? वह एक हाथ में देश का चित्र पठन और एक हाथ में पुस्तिका से हमें बताना चाहता है कि ज्ञान से हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। यह लड़का इसके द्वारा हमें समझाना चाहते हैं, क्या ज्ञान से, अपनी बुद्धि से हम इस सारी दुनिया को हम जीत सकते हैं, है ना? तो यही हमें यह लड़का हंसते हुए हमें समझाना चाहते हैं। तो इस बुद्धि से ही जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी है जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो कहानी को जाए बच्चों, चलिए। कहानी का नाम क्या है? राजा बदल गया, है ना? तो एक लड़का, राजेश नामक लड़का था, वह रास्ते में जंगल की ओर जा रहा था। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक सोने का सिक्का दिखाई दिया। तो वह लड़का उस सोने के सिक्के की ओर देखते हुए यह सोचने लगा कि यह सिक्का तो मेरा नहीं है। यह सिक्का लेके मैं क्या करूं इस सिक्के का? इस तरह वह सोच में पड़ गया। सोचते सोचते वह आगे निकला। रास्ते में उसे एक साधु मिले, तो साधु ने उससे, लड़के ने साधु को कहा कि लीजिए साधु महाराज, आप यह सिक्का अपने पास रख लीजिए, मुझे रास्ते में यह सिक्का मिला है। तो साधु ने कहा, हे लड़का, इस सिक्के को लेके मैं क्या करूं इसका? जो गरीब है, जिसे इस सिक्के की आवश्यकता है, उसे यह सिक्का तुम दे देना। इस तरह साधु ने उस लड़के से कहा। तो लड़का फिर से रास्ते में चलने लगा। चलते चलते रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी भीड़ दिखाई दी, सेना दिखाई दी। राजा भी थे वहां पे। तो उस लड़के ने एक सैनिक से पूछा कि इतनी बड़ी भीड़, सेना लेकर राजा कहां जा रहे हैं? तो सैनिक ने कहा, हमारे राजा शूर सिंह है, ये दूसरे राज्य यानी पड़ोसी राज्य को लूटने जा रहे हैं। तो लड़का कुछ सोच में पड़ गया और फिर राजा की ओर वह कदम बढ़ाकर राजा से कहा, हे महाराज, क्या आप पड़ोसी राज्य को लूटने जा रहे हैं? तो
महाराज, आप इस सोने के सिक्के को अपने पास रख लीजिए। तो राजा उस लड़के को देखकर बहुत क्रोधित हो गया। मैं राजा शूरसिंह हूं, इस सिक्के को लेकर मैं क्या करूं इसका? मैं तो राजा हूं राजा। इस तरह राजा बहुत क्रोधित हो गए इस लड़के पर। लेकिन उस लड़के ने कहा, एक राजा होकर आप दूसरे राज्य को लूटने जा रहे हो, क्यों? रास्ते में जब मुझे यह सोने का सिक्का मिला तो मैंने उस सिक्के को एक साधु को दिया, तो उस साधु ने कहा, जो भी तुम्हें रास्ते में कोई गरीब दिखा, इस सिक्के को उसे दे देना। मैंने वही किया महाराज, मेरा अपराध क्या है? तो महाराज ने अपनी गलती को समझ ली और राजेश की बहु प्रशंसा की। समझ में आया बच्चों, इस कहानी की नीति क्या है? क्या है इस कहानी की नीति? बुद्धि से हम अपनी सारी दुनिया को बदल सकते हैं। समझ में आया? ज्ञान के द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं, सभी को बदल सकते हैं, है ना? तो देखिए, इस कहानी में, इस कहानी पाठ में जो भी कठिन शब्द हैं, उन सभी कठिन शब्दों को आपको पढ़ना है, उसके नीचे रेखांकित करके उन कठिन शब्दों का अर्थ और जो भी व्याकरणांश है, आपको सभी को उत्तर पुस्तिका में लिखनी है। और इस कहानी के द्वारा आप क्या समझे, उसे भी आपने आपको उत्तर पुस्तिका में लिखनी चाहिए। चलिए कुछ शब्दार्थ की ओर जाएंगे। शब्दार्थ है, जंगल का अर्थ क्या है? वन, रास्ता, मार्ग, सिक्का, मुद्रा, रुपया, साधु, ऋषि, संत, गरीब, दरिद्र, स्वर, आवास, क्रोध, गुस्सा, आदेश, आज्ञा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कुछ लिंग भी बदले, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बालक, बालिका, महाराज, महारानी, राजा, रानी, सेवक, सेविका, साधु, क्रूर, क्रोध, शांत, प्रशंसा, निंदा। यह है विलोम शब्द। चलो जाएंगे कुछ पर्याय शब्द की ओर। सेना क्या है? सोना। सोना यानी हेम कंचन। सोना हेम कंचन। राजा नृप शासक। रास्ता मार्ग पथ। आश्चर्य में पड़ना यानी विस्मय होना, यह इस पाठ में एक मुहावरा वाला शब्द है। इस मुहावरे को आपको अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। ठीक है बच्चों, मैं समझती हूँ कि आपको यह कहानी पूरी पूरी समझ में आई होगी। अगर कहानी समझ में ना आए तो कुछ भी समस्याएं हैं, आपको मुझे पूछने का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो राजा बदल गया कहानी कैसी थी, कैसी कहानी है, कैसी कहानी है बच्चों? लड़का किससे मिले? साधु से। तो वह साधु ने अपनी लालच से वह सिक्का ले भी सकता था, है ना, लेकिन नहीं लिया।
उसने कहा कि किसी जरूरतमंद को वह सिक्का दे देने के लिए उन्होंने कहा है। उस सिक्के को उसके बाद वह लड़का भी ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया, क्योंकि उसमें मानवता की दृक्पथा उसमें है ना। वह किसी जरूरतमंद को वह सिक्का देना चाहता था, इसलिए वह फिर आगे बढ़ा। रास्ते में चलते चलते फिर उसे राजा दिखाई दिए, तो राजा को बहुत ही क्रोध आया। क्यों? क्योंकि एक लड़का, मामूली से लड़का, एक सोने के सिक्का को दिखाकर वह सिक्का मुझे देना चाहता है। मैं तो बहुत ही शूर वीर हूं, महान हूं, है ना, धन दौलत की कोई कमी है मेरे पास, राजा के पास नहीं, तो फिर ये लड़का मुझे ये सिक्का क्यों देगा? क्यों? क्योंकि राजा चाहते हैं कि दूसरे देश को वह लूटने जा रहा है। क्या यह अच्छी बात है? नहीं, है ना, दूसरों को मार पीट कर, लूट कर, ऐसे नीच काम कर जीना भी कोई जीना है? नहीं, है ना बच्चों। एक राजा के पद पर होकर राजा का कर्तव्य क्या है, उसे भूलकर, प्रजा की सेवा को भूलकर वह दूसरे, मानवता को भूलकर वह दूसरे देश को लूटने जा रहा था। यह गलत बात है ना बच्चों। तो राजेश बहुत ही बुद्धिमान लड़का है, वह अपनी बुद्धिमत्ता से राजा की सोच को यहाँ पे बदल दिया, है ना। तो इसी तरह से आपको भी सोचनी है, सोचकर इस तरह की कहानियों को आपको लिखनी चाहिए, ठीक है बच्चों। बहुत तेज है आपकी बुद्धि, है ना, तो उसका उपयोग करके क्यों ना आप भी एक छोटी सी कहानी लिखो। हाँ, गृहकार की तौर पे, ठीक है बच्चों। तो गृहकार में जाते जाते मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि राजेश कैसा लड़का है, कहाँ जा रहा था, किससे किससे मिले राजेश, सोचो और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखो। यह कौन से रूप में है, कौन सी विधा में है, कहानी विधा में है, है ना। तो इस कहानी विधा को आपको क्या करना चाहिए, संवाद के रूप में इस कहानी को लिखनी चाहिए। संवाद, यह कैसा नया शब्द है, संवाद यानी कन्वर्सेशन, यानी आपस की बातचीत, आपस में जो हम बातचीत करते हैं उसे संवाद कहते हैं। जो राजेश और साधु के बीच में जो बातें हुई, उन बातों को आपको लिखनी चाहिए। या फिर राजा और लड़के के बीच में जो बातें हुए, उसे संवाद, कोई सी भी एक घटना को संवाद के रूप में आपको लिखना है। अब राजा का गुण यानी राजा का स्वभाव कैसा था, इस पाठ के आधार पर आपको लिखनी है। राजा कैसे स्वभाव का था, ठीक है बच्चों। इससे मैं समझती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की कहानियों को आपको भी रचना, मैं चाहती हूँ कि आपको भी एक छोटी छोटी कहानियों की रचना भी करनी चाहिए। तो इससे मैं धन्यवाद, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, लेकिन गृहकार्य लिखना भूलना नहीं, ठीक है बच्चों, बाय।